भारतीय रेलवे को दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। भारतीय रेल यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। करीब 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वही यह 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी और आज इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 177 वर्ष पुराना भारतीय रेलवे आज भी सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन का जरिया है। तो चलिए आज हम भारतीय रेलवे के पूरे इतिहास के बारे में बात करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की पहली ट्रेन। भारत की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो 1837 में रेड हिल से चिंता त्रिपेट पुल तक 25 किलोमीटर चली थी। सर आर्थर कॉटन को ट्रेन के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट के परिवहन के लिए किया जाता था। वही पब्लिक परिवहन के लिए भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस दिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। भारत की सबसे तेज ट्रेन। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। वही गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। यह हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आगरा से झांसी के बीच इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाता है। सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस लगभग 82 घंटे 30 मिनट में 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सफर के दौरान ये ट्रेन 57 स्टेशनों पर रुकती है। यह यात्रा न केवल भारत में है बल्कि पूरे महाद्वीप में सबसे लंबी है। सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन माना जाता है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। यह रिकॉर्ड पहले पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर 1072 मीटर का प्लेटफॉर्म था। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बिजली लाइन का विस्तार किया गया। भारत में पहला रेलवे ट्रैक। 21 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एक 56 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण किया। यह बॉम्बे को खानदेश और बाबर से जोड़ती थी। जेम्स जॉन बार्कले इसके मुख्य अभियंता थे। 1853 में इसी ट्रैक पर पहली यात्रा ट्रेन चली थी। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से 7 मार्ग निकलते हैं। मथुरा जंक्शन में भारत के सभी प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी के साथ 10 प्लेटफॉर्म भी है। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन। भारत में स्थित बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। इसी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। भारत में सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और एशिया की सबसे महंगी ट्रेन में से एक है। महाराजा एक्सप्रेस 8 दिनों की यात्रा के दौरान अपने मेहमानों को ताजमहल, खुजराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सिकरी और वाराणसी के स्नान घाटों सहित भारत के कुछ सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ले जाती है। इसके डिलक्स केबिन के लिए कीमत $800 यानी लगभग 60,000 रुपये से शुरू होती है। प्रेसिडेंशियल सुइट का सबसे महंगा टिकट आपको $2,500 यानी 1,87,500 रुपये में मिलेगी। भारत में पहली बुलेट ट्रेन। भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2003 के अंत में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की जाएगी। यह ट्रेन मुंबई में अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन बनेंगे। इसे 508 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 155 किलोमीटर रूट महाराष्ट्र में 4.3 किलोमीटर
रूट यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली में और 348 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में है। इस हाई स्पीड रेल की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे में तय कर सकती है। भारत का सबसे पुराना लोकोमोटिव प्रसिद्ध फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना वॉकिंग कंडीशन लोकोमोटिव है। 1855 में निर्मित इस फेरी क्वीन का नाम दुनिया के सबसे पुराने वॉकिंग स्टीम लोकोमोटिव के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। रेल से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, भारतीय रेल में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे टिकट बुकिंग की सुविधा वर्ष 2004 और पहली बार टेलीफोन नंबर 139 की सुविधा पूरे देश में सामान्य पूछताछ करने के लिए वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। नंबर 2, भारतीय रेल में मौजूदा वक्त में छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों को मिलाकर 75,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है, जिसमें सबसे व्यस्त लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। नंबर 3, भारतीय रेल में मौजूदा वक्त में लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन है, जिसे हॉस्पिटल ऑन व्हील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस ट्रेन में ऑपरेशन रूम से लेकर इलाज की सभी सुविधा उपलब्ध है। नंबर 4, भारतीय रेल में मौजूदा वक्त में फेरी क्वीन नामक दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है, जिसका निर्माण ब्रिटेन के किट्सन ने वर्ष 1855 में किया था। नंबर 5, भारतीय रेल एशिया का पहला और एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत भारत में सबसे पहली बार 22 दिसंबर 1851 को हुई थी और मौजूदा वक्त में इसमें 16,00,000 कर्मचारी कार्यरत है। नंबर 6, भारतीय रेल में मौजूदा वक्त में उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर हर 1 मिनट में लगभग 12,00,000 लोग विजिट करते हैं और हर रोज लगभग 3 से 5 करोड़ लोग यहां की रेल में सफर करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।